अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है यूपी रोडवेज बस में सफर करना देखिए महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी जानकारी है आपसे जुड़ी हुई खबर, यूपी रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, इजाफा किया गया। सोमवार रात 12 बजे से बढ़ा हुआ किराया लागू, राज्य परिवहन निगम ने बढ़े किराए पर मुहर लगा दी है। तो यूपी रोडवेज में सफर करते हैं आप तो जान लीजिए किराया महंगा हो गया। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार रात 12 बजे से ये किराया लागू भी हो गया है। राज्य परिवहन निगम ने बढ़े हुए किराए पर मुहर भी लगा दी है। यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना यात्रियों के लिए महंगा हो गया। 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है किराए में और सोमवार रात 12 बजे से ये किराया लागू भी हो गया है, यानी कि ये किराया अब लिया भी जा रहा है यात्रियों से। राज्य परिवहन निगम ने इस पर मुहर लगा दी है। तो लगातार बढ़ते किराए से यात्री परेशान। इसी बीच में बड़ी खबर, रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है एक बार फिर से। तो देखिए यूपी रोडवेज का 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा, इजाफा किया गया है 25 पैसे प्रति किलोमीटर का। लखनऊ दिल्ली के लिए 125 रुपए, अलग अलग हिस्सों में अब आप सफर करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यूपी परिवहन निगम ने अपनी बसों में किराया बढ़ा दिया है और ये किराए में जो बढ़ोतरी है वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। और फिलहाल इस वक्त हम बरेली की बस में और इन यात्रियों से बात कर लेते हैं। सर, किराया बढ़ा दिया गया है, कितना बोझ आप मान के चल रहे हैं? देखिए, किराया पहले भी बढ़ते रहे हैं लेकिन रुपये 2 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा, और इस तरह से इतना किराया मतलब बढ़ाना ये एक बड़ी वो है। आने वाले समय में जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक चुनाव हैं, एक साल भी नहीं रहा चुनाव को। सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था कि आम जनता पे इतना बोझ डालने से क्या असर पड़ेगा। किसान आदमी बताओ कहाँ से इतना किराया भी देंगे, दिक्कत तो पड़ती है गरीब आदमियों के लिए। इस नज़रिए से देख रहे हैं आप जो किराया? सर, बड़ा तो पहले भी है क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हूँ, मैं 2012 से आ रहा हूँ, तो तब उस वक्त 81 रुपीज़ का होता था टिकट। अच्छा। 81 रुपीज़ 2012, तो लगभग 10 साल में, अभी इससे पहले 163 का था, अब एकदम से 30 रुपीज़, इतना कभी नहीं बढ़ा एकदम से। भाई इतना किराया कैसे देंगे बताइए, इतना पैसा किराया कभी नहीं बढ़ा, कभी एक आध रुपया बढ़ गया, ठंडी बढ़ गई, चवन्नी बढ़ गई, बढ़ा जिन्होंने 40 रुपये 50 रुपये, कहाँ से देगी पब्लिक? इससे पहले रोडवेज का किराया 1 रुपये 5 पैसे पर किलोमीटर था, अब एक रुपये 25 पैसे किलोमीटर बढ़ने के बाद में 32 रुपये मुरादाबाद का किराया बढ़ गया है, जो वास्तव में ज़्यादा है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। भाई किस प्रकार से आदमी लेकर चलेगा, जरूरी नहीं है कि सबके पास ही 500 के पड़े हों, कोई कहीं से एडजस्टिंग करके चल रहा है तो वो कैसे कर पाएगा बताइए। यानी इतना साफ है कि एक बार फिर जो किराया बढ़ा है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी ज़रूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।